सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने मौसम में हुए परिवर्तन पर बात करते हुए कहा कि इस समय मौसम में परिवर्तन हुआ है। दिन का तापमान 26 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक और रात का तापमान 14 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक हो रहा है, जिसमें दिन और रात के सब तापमान में 10 से 15 डिग्री का अंतर पड़ रहा है। दिन में लोग गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं, जिसके कारण रात के समय उन्हें ठंड लगती है और शरीर इसे सही से समझ नहीं पाता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित मोटरसाइकिल चालक हो रहे हैं, क्योंकि वे गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं, जिसके कारण उन्हें खांसी, जुकाम और बुखार हो रहा है। इसके अलावा खान पान का सही नहीं होने के कारण भी उनकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए उन्हें गर्म कपड़े जरूर पहनने चाहिए। यदि किसी को किसी तरह की समस्या हो तो वह जिला अस्पताल में जाकर डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, जहां उन्हें निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा कि तापमान का परिवर्तन है, जैसा कि आप लोग खुद देख रहे हैं कि दिन का तापमान जो है 26 डिग्री से लेकर के 32 डिग्री तक जा रहा है और रात का तापमान जो है वो 14 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक का तापमान, तो करीब 10 दिन और रात के तापमान में करीब जो है 10 से 15 डिग्री का अंतर पड़ रहा है। तो इस कारण से दिन में लोग जो है कपड़े नहीं पहनते हैं, कम से कम कपड़े पहनते हैं, वुलन गारमेंट्स नहीं पहनते हैं, और रात के समय जब शाम को होती है तो उनको ठंडक लगती है, तो तापमान परिवर्तन में शरीर एडजस्ट नहीं कर पाता है। खास करके जो घर से बाहर काम करने वाले होते हैं, तो सुबह 10 बजे निकलते हैं और शाम को घर पहुंचते पहुंचते उनको देर हो जाती है, ऐसे में कोल्ड एक्सपोजर होता है और इस तापमान परिवर्तन को वो लोग नहीं कर पाते। इसकी वजह से खास करके श्वसन संबंधी बीमारियां, रेस्पिरेटरी डिजीज काफ़ी हो जाती हैं। श्वसन संबंधित के साथ साथ ही जो है हमारे हृदय संबंधी बीमारियाँ भी, स्ट्रोक्स काफ़ी कॉमन हो जाते हैं इस बीमारी में, स्ट्रोक्स काफ़ी कॉमन होते हैं, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो चाहे हार्ट स्ट्रोक्स हो, और उन स्ट्रोक्स की वजह से भी काफ़ी मरीज आते हैं। तो आजकल चिकित्सालयों में ज़्यादातर मरीज जो होते हैं खांसी, जुकाम, बुखार के होते हैं या हाइपरटेंशन के मरीज आते हैं, और इसी के साथ साथ कुछ और भी बीमारियां होती हैं जो होती हैं, खास करके खान पान से संबंधित होती हैं, तो ये सब चीज़ों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इनसे बचाव का तरीका ये है कि अपने कपड़े तापमान के अनुसार से पहने, निश्चित रूप से खास करके बाइकर्स को ज़्यादा ध्यान देना होता है, उनमें ग्लव्स, हेलमेट, सर की टोपी होनी चाहिए और विंड सीटर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और अगर किसी को किसी प्रकार की कोई अगर असुविधा होती है, स्वास्थ्य संबंधित होती है, तो हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर से लेकर के जिला अस्पताल तक पूरा चिकित्सीय जाल है, उसमें कहीं पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर उपचार कर सकते हैं। और इवन हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर पर भी हमारे CHOs होते हैं जो टेली कंसल्टेशन के द्वारा आपको चिकित्सीय सुविधा दे सकती हैं। जिला अस्पताल पूरी तरह से इक्विप्ड है, यहाँ पर समस्त जांचें, समस्त दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध होती हैं, उनका उपयोग। मंडलायुक्त अनिल डिंगरा की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में जिला उद्योग बंधु की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस दौरान अनिल डिंगरा ने कहा कि जनपद के व्यापारियों की समस्याओं का अधिकारी गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें, ताकि किसी भी व्यापारी को ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़े। वहीं गीडा के कुछ व्यापारियों ने कहा कि प्रशासन अभी से वाहनों को लोकसभा चुनाव के लिए पकड़ रही है, यदि अभी से वाहनों को पकड़ा जाएगा तो हमारा कारोबार नहीं हो पाएगा। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि आप एक सूची उपलब्ध करवा दीजिए, हम संबंधित अधिकारी को सूची उपलब्ध करवा देंगे और पकड़े गए वाहनों को छुड़वा देंगे। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं का निस्तारण करना सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, CDO संजय कुमार मीना, CEO गीडा अनुज मलिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी इन्वेस्ट अप के नवीन कार्यालय का लखनऊ में उद्घाटन किया, जिसका सीधा प्रसारण गोरखपुर के आयुक्त सभागार में किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपी इन्वेस्ट करने वाले उद्योगपतियों को
प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके अलावा सरकार व संबंधित उद्योगपतियों के साथ MOU साइन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी को उत्तम प्रदेश बनाना ही हमारी प्राथमिकता है। आज प्रदेश में हजारों करोड़ का इन्वेस्ट हुआ है, इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। समृद्धि के सूत्रधार, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार माननीय मंत्री प्रताप शाही जी, माननीय मंत्री इन्वेस्ट यूपी श्री प्रकाश जी, कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से वर्चुअल अपनी ओर से अपनी सरकार की और एक परम तपस्वी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय निवेश को आकर्षित करने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्थापित हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री जी ने सदैव निवेशकों को उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास यात्रा का साझीदार कहा है। एक एक करके कृपया आगे प्रस्ताव है अनिल गांधी जी की, चारों प्रस्तावों का योग लगभग 3,000 करोड़ का इनका निवेश है। जनपद गोरखपुर, चित्रकूट, अमेठी तथा प्रयागराज के पश्चात बीकानेर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड लगभग 333 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जनपद गौतम बुद्ध नगर में, वृंदावन एग्रो इंडस्ट्रीज ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स लगभग 320 करोड़ के सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉर्म भरे जाते हैं। इसके पश्चात में अगर प्रोत्साहन धंधा का संवितरण सुनिश्चित किया जाए, प्रथम है फॉर्चून राइस लिमिटेड अली मुस्लिम समाज का पवित्र महीना माहे रमजान चांद दिखने के दूसरे दिन से शुरू होता है। मुस्लिम समाज पूरे एक महीने पूरी शिद्दत के साथ इबादत करते हुए भूखे प्यासे रहकर 13 से 14 घंटे का रोजा रखता है। वार्ड नंबर 62 माया बाजार के पार्षद समद गुफरान के पिता स्वर्गीय गुफरान अहमद अपने पिता की याद में हर साल रमजान के महीने में सामूहिक रोजा इफ्तार का आयोजन करते हैं। मोहल्ले के आसपास के लोग और उनके परिचित सभी लोगों को रोजा इफ्तार की दावत दी जाती है। हालांकि पहले दिन लोग अपने घर पर ही रोजा खोलना पसंद करते हैं, लेकिन पार्षद समद गुफरान के परिवार की मोहब्बत में लोग पहले दिन अपने घरों से निकलकर मियां बाजार स्थित इमाम बाड़ा स्टेट में सामूहिक रोजा इफ्तार में शामिल होते हैं। सभी लोग एक साथ रोजा खोलकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि देश में अमन, शांति और मोहब्बत बनी रहे, आपसी भाईचारा बनी रहे और इस पवित्र महीने में अल्लाह सबको बरकत दे। पार्षद समद गुफरान की माता सेवानिवृत्त प्रवक्ता इमामबाड़ा गर्ल्स कॉलेज की सुल्तान जहां की सरपरस्ती में उनके दोनों पुत्र सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। इस अवसर पर सैयद साहब कैफी जमील अहमद, शकील अहमद उर्फ दीवान, यूसुफ वारसी, नमी मोहम्मद वारसी समेत अन्य लोग सामूहिक रोजा इफ्तार में शामिल हुए। इस संवाद में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्षद समद गुफरान ने कहा, देखिए ये जो प्रोग्राम है ये हमारे मरहूम वालिद गुफरान अहमद सिद्दीकी साहब ने करीब 40 साल हो गया ये शुरुआत किया था। चूँकि ये शुरू में एक छोटे पैमाने में घर से ही होता था और उसके बाद सामने हमारे एक स्कूल में होने लगा और फिर अल्लाह के करम से और लोगों की दुआओं से, लोगों का जज्बा, लोगों की दुआएं मेरे साथ रही और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और आप पीछे की लोगों को देखिए, ये लोग पहले दिन अगर अपने घर से रमज़ान का पहला दिन और इफ्तार मेरे यहाँ आके करते हैं तो ये बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान है। जी ये पूरा पूछा समझिए कि ये पूरा मोहल्ला मेरा परिवार है। इसमें जो जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो मेरे गार्जियन हैं, जो बच्चे हैं वो मेरा छोटे भाई हैं, वो सब सारी इंतज़ाम वही लोग करते हैं। तो बताया जाता है कि रमज़ान पवित्र महीना होता है, जो लोग करते हैं तो रमज़ान तो ऐसा है कि नेकी का महीना है। इस टाइम रोज़ा नमाज ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम अल्लाह से अपनी सारी जायज़ दुआएं पूरी करते हैं इस समय। और इसमें देखिए हम लोगों को ये भी एक मैसेज जाता है रमज़ान कि हम लोगों को सारे गरीब वर्गों का भी ख्याल करना है, वो हमारा पड़ोसी हो, वो चाहे किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो,
हमें उसका सहयोग करना चाहिए। और इस खासकर ज़िंदगी भर और हर समय ये इस्लाम ने एक पैगाम दिया है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आपके यहाँ तमाम अच्छे व्यंजन बन रहे हैं तो आप बहुत बड़े गुनाहगार हैं। तो एक रमज़ान एक ये मैसेज देता है कि ये हर आदमी के लिए है। और ये देखिए, हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। अमन चैन प्रेम का त्यौहार है। समद गुफरान पार्षद माया बाजार। वृंदावन के प्रसिद्ध संत सदगुरु रितेश्वर महाराज ने गोरखपुर पहुंचकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नागरिक हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में लगे धारा 370 के कलंक को धो दिया और 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी मोदी सरकार की ही देन है, जिसे बनाने में उन्होंने दिन रात एक कर दिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि किसानों को और सुविधाएं मिलें, नागरिकों को और सुविधाएं मिलें। उन्होंने कहा कि भारत में रहकर हिंदी और क्षेत्रीय भाषा नहीं बोलने वाले के लिए यह शर्म की बात है। सभी को यूपी की भाषा बोलनी चाहिए। आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित योगी आदित्यनाथ हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम खुलकर उनका नाम लेते हैं। यदि हम उनका नाम ले रहे हैं तो यह गर्व की बात है, क्योंकि वे अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ। विपक्ष को चिंता करनी चाहिए कि जनता उनके साथ क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति को एक अच्छा स्वरूप दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा बनाया है। वे लोग सनातन और संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में वे फिर से चुनाव जीतेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बातचीत करते हुए वृंदावन के प्रसिद्ध संत सदगुरु रितेश्वर महाराज ने कहा, प्रकाश करना और नाम सामने रखना, आप नाम बोलने से इतना हिचकते क्यों हो? अगर आप, मुझे लगे कि आप बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हो तो मैं क्या कहूंगा, कुछ लोग बड़ी अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। अरे मैं कहूंगा आपका जो भी नाम हो ABCD, मैं बोलूंगा अमुक बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, आजकल उनका बहुत नाम है। नाम लेने में तकलीफ क्या है नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी को एक टेररिस्ट रखते हैं आपको? नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, दो बार से लगातार भारत की बहुमत जनता उनको चुन रही है और वो भारतीयों के अनुरूप काम कर रहे हैं। भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी क्या चाइना से आते हैं? क्या वो विश्व के बाहर के व्यक्ति हैं? भारत का एक ऐसा सपूत जो भारत माता के सर पे लगे हुए कलंक 370 को धोता है, भारत माता के अयोध्या में लगे हुए कलंक उस राम मंदिर को बनाने में दिन रात एक कर देते हैं। अगर मैं उनका पक्ष ले रहा हूं, लेकिन मैंने यह भी कहा है कि किसानों को और सुविधा मिले, मैं ये भी कह रहा हूं कि व्यक्तियों को और सुविधा मिले, मैं संतुष्ट नहीं हूं। हमारे पूर्वजों के द्वारा अपने आने वाली पीढ़ियों को प्रदान की गई ज्ञान की धारा को ही संप्रदाय कहते हैं। सम्यक प्रकार से प्रदान किए गए विचार बोध और ज्ञान को संप्रदाय कहते हैं। तो गर्व से कहो हम सांप्रदायिक हैं, क्योंकि नारायण ने दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने दिया नारद को, नारद ने दिया व्यास को, व्यास ने दिया सुखदेव को, सुखदेव दिया अपने शिष्यों को, और वहां से करते करते हमारे गुरु को, फिर हम तक, और हमारे द्वारा अन्य लोगों तक। तो ये गर्व का विषय है। हिंदी और क्षेत्रीय लैंग्वेज उसको बोलना ना आए तो इसके लिए शर्म का विषय है। ये बात का प्रचार हम क्यों नहीं करते कि हमें हिंदी बोलना चाहिए, हमें गोरखपुरी बोलना चाहिए, इस गोरखपुर की भाषा को, यूपी की भाषा को बोलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया गया है, और उस इन्फीरियरिटी के कारण ये भारतीय केवल टाई सूट कोट पैंट पहन के अपने आप को जेंटलमैन कहने लगे। जेंटलमैन की ये परिभाषा नहीं है, जेंटलमैन की परिभाषा है जो स्वयं आनंदित रहे और लोगों में आनंद वितरित करे। वो धोती पहने के तिलक लगाए उससे कोई मतलब नहीं, वस्त्र से कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है जब तक संस्कारों का पुनः स्थापना नहीं होगा भारत में, आप कुछ भी कर लो आप फिर गुलाम हो जाओगे। आज श्री नरेंद्र मोदी हैं, आज श्री योगी आदित्यनाथ हैं, भारत माने दो महान अमित शाह जी हैं। मैं नाम खुल करके लेता हूं, क्योंकि मैं शर्म भी नहीं करता, इसलिए नहीं करता। लोग कहते हैं धीरे धीरे आप पॉलिटिकल हो जाओगे, आपको हम लोग सुनते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, आप नाम मत लिया करो। कमाल की बात है, आपके घर में कोई अच्छा काम कर रहा है आप नाम भी नहीं लोगे, तो एजेंट बन जाओगे, दलाल बन जाओगे, तल्ले बन जाओगे। मैं ये कहता हूं एजेंट का पहले अर्थ भी जानते हो। एजेंट का अर्थ होता है संवाहक, जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। गुलाब का फूल अगर खिले और गुलाब के फूल को आपकी नासिका तक उसकी सुगंध को पहुंचाने के लिए संवाहक कौन है? हनुमान जी के पिताजी पवन। उस पवन के द्वारा ही आप उस गुलाब के फूल को सुगंध ले सकते हैं, तो वो भी तो एजेंट है। गुलाब का फूल का सुगंध आप तक दे रहे हैं। अगर मैं भी किसी व्यक्ति के द्वारा, राजनेता के द्वारा, किसी कलाकार के द्वारा, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे कर्मों के लिए एजेंट बना हूं, तो यह शर्म का विषय है कि गौरव का विषय है।
के तहत बहुत सारी पार्टियां यहां पंजीकृत हैं। मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूं, परंतु जनता उनके पक्ष में क्यों नहीं है, ये उनको स्वयं आत्मचिंतन करना चाहिए कि भारत की जनता क्या चाहती है। अगर उस मर्म को नहीं पकड़ पा रहे, अगर राष्ट्र को नहीं पकड़ पा रहे, राष्ट्र के स्वाभिमान को नहीं जगा पा रहे, तो ये बांटने से, जातियों में, संप्रदायों में बांटने से आप बहुत दिन तक नहीं चल सकते। हाँ, 60-70 साल तक चले, लेकिन अब आपको अपनी नीतियां बदलनी होंगी। अगर एक सशक्त विपक्ष की भूमिका भी निभानी है तो नीतियां तो बदलनी होंगी, क्योंकि आपकी नीतियों को लोगों ने खारिज कर दिया है। अब वो क्यों खारिज किया है, वो उनके आत्ममंथन का विषय है। मेरे लिए तो विकल्प सामने है और मैं साथ हूं, मैं राष्ट्र के उन्नति में साथ हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ मंदिर के लिए जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लोगों के बीच भारतीयता, राजनीति में शुचिता और राजनीति में आस्था व्यक्त करना, भारत का युवा, भारत के संभ्रांत लोग पॉलिटिक्स को डर्टी कह करके अलग हट रहे थे, अरे ये राजनीति गंदी है, राजनीति बेकार चीज है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इन दो लोगों ने कम से कम, अब मैं पूरी पार्टी को भी कहूंगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जिनको बाबा जी कहा जाता था कि बाबा जी मठ चलाएं, उन बाबा जी ने, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने दूसरा टर्म ऐसा लॉ एंड ऑर्डर दिया है कि मैं भारत ही नहीं दुनिया में भी जाता हूं तो लोग बोलते हैं यूपी का लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा कैसे। हमने कहा जिनको सिर्फ मठ और मंदिर चलाने के लिए कहा जाता था, चूंकि वो संत हैं और संत का काम है समत्व की दृष्टि से सबके ऊपर, सबके विकास का काम करना, तो उन्होंने वो कर दिखाया। उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता, मेरा एक ही उद्देश्य है, उद्देश्य है सनातन संस्कृति की जो रक्षा कर रहे हैं, सनातन धर्म और वसुधैव कुटुंबकम, केवल भारत के लिए नहीं, आज श्रीमान नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर के रूप में उभरे हैं और भारत की सनातन परंपरा का एक ही मंत्र था, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है, परिवार है, और वो उस बात को साबित कर रहे हैं, सच कर रहे हैं। और आप याद रखिए, भारतीय धर्म के और संस्कृति के अनुरूप चलने से ही विश्व में मंगल आ सकता है, ये धीरे धीरे सभी जान रहे हैं। आप वृंदावन आइए, आकर के देखिए, हम लोगों से ज्यादा तो विदेशी लोग सुबह 4 बजे उठ करके हाथों में माला लेकर के और धोती पहन करके हरे कृष्ण करते हुए घूम रहे हैं। काशी चले जाइए, हम 9 बजे तक सो रहे हैं और वो 3 बजे सुबह उठ जा रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त जो हमारा था। तो जो इस रिचुअल्स को फॉलो करेगा, जो नियम को फॉलो करेगा, वो आगे बढ़ेगा। उस वहां कोई वर्ग भेद नहीं है, वहां कोई गोरे काले का भेद नहीं है। अगर आप धर्म का पालन करेंगे, धर्मो रखिए। अगर मुझे एक नागरिक की तरह आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो पहले तो मैं एक नागरिक हूं भारत का, तो जो हवा दिख रही है और जो चीजें दिख रही है उससे स्पष्ट दिख रहा है कि सनातन संस्कृति के रक्षक 370 को रिमूव करने वाले, CAA को लागू करने वाले और भव्य और दिव्य जो भारत की आत्मा है, 500 वर्षों से टेंट में रह रहे भगवान श्री राम को दिव्य भव्य मंदिर में विराजित करवाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, भारत की जनता उन्हें भूल नहीं सकती। उनके कर्मों के बल पर मुझे ऐसा विश्वास है कि यह सरकार पुनः वापस